गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई रचना शर्मा, यू वेलकम ऑल माय यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्कशीट नंबर 75। बेटा ये वर्कशीट जो है ये 6 to 8, 6 to 8 तक के बच्चों की कॉमन वर्कशीट है और ये वर्कशीट नंबर 75 है, 75, और आज की डेट 30 सितंबर की डेट की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। बेटा आज की जो वर्कशीट है, आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है, इसमें आज हम कुछ नया करना सीखेंगे। देखिए बच्चे, आज हम सीखेंगे कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं देखिए, अब कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू वर्ड दैट हैज़ द कम्प्लीटली न्यू मीनिंग। देखिए जब दो अलग अलग शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, मीनिंग कुछ और निकल के आता है, उसे बोलते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोज कंपाउंड वर्ड। देखिए अब कुछ हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं इसके बताने के लिए कि कंपाउंड वर्ड होते क्या हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर क्या है, ये रेन, बारिश, और वो क्या होता है, धनुष। तो इसको मिलकर क्या बना, रेनबो, इंद्रधनुष। देखिए ये बारिश है, ये धनुष है, और इन दोनों को मिलकर एक नया ही वर्ड बन गया। रेन मीन्स बारिश होती है और ये जो बो है इस मीन्स धनुष होता है, धनुष बाण। तो इन दोनों को मिलकर बन गया रेनबो। इसका बिल्कुल अलग ही मीनिंग है, ना तो ये है ना ये है, एक अलग मीनिंग है। दूसरा है स्केयर, डरा हुआ, और क्रो मीन्स होता है कौआ, एक हो गया। अब नया वर्ड क्या बना है हमारा, स्केयर क्रो। देखिए जब स्केयर क्रो आपने देखा होगा खेतों में लगा देते हैं एक पुतला सा बनाकर, जिससे कौवे डरते हैं, और या फिर अपने मूवीज़ में देखा होगा खेतों में खड़े हुए ऐसे पुतले से को, उसको बोलते हैं स्केयर क्रो। आगे हमारा बटर मीन्स मक्खन, और फ्लाई मीन्स मक्खी। देखिए ये बटर मीन्स मक्खन होता है और फ्लाई मीन्स मक्खी, इन दोनों को मिला दे तो क्या बन गया हमारा, बटरफ्लाई मीन्स तितली। ना तो वो मक्खी रही ना वो मक्खन रहा, क्या बन गई वो, तितली। तो इस तरह से दो अलग अलग वर्ड मिलकर एक नया वर्ड बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड वर्ड। आगे देखेंगे हम पुट द टू वर्ड्स टुगेदर टू मेक कंपाउंड वर्ड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्थ, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वेक। देखो अर्थ मीन्स पृथ्वी और क्वेक मीन्स हिलना। तो अब हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ई ए आर टी एच क्यू यू ए के ई, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक दोनों को मिला के बन गया, अर्थ लिखा हमने, क्वेक लिखा, अर्थक्वेक बन गया भूकंप। क्या बन गया, भूकंप। आगे चलेंगे हम आई बॉल। देखिए इससे बन गया हमारी ई वाई ई बी ए डबल एल, आई बॉल। आई बॉल होती है पुतली। देखिए ये जो होती है, जो छोटी सी जो होती है, ये अंदर दिखती है हमारे आँखों में, किसी की नीली होती है आँखें बोलते हैं ना, ये गोल गोल जो होती है पुतली। तो आई और बॉल, आई मीन्स आँख और बॉल मीन्स गेंद, इन दोनों को मिलाकर बन गई हमारी आई बॉल, जो हमारी आँख की पुतली होती है। आगे है पॉप और आगे कॉर्न, क्या बन गया, पॉप कॉर्न। आप पॉपकॉर्न खाते हो ना, पॉपकॉर्न। आगे है बास्केट, अलग है, बास्केट मीन्स आपको पता है टोकरी होती है, और बॉल मीन्स बॉल। तो हमारी क्या बन गई इससे, बास्केट बॉल, जो एक खेल होता है ना बास्केटबॉल, वो बन गया हमारा इससे। आगे हमें नए, लेट्स ट्राई सम न्यू सम मोर वर्ड्स। तो करते हैं सनशाइन, सन मीन्स सूरज और साइन मीन्स चमकना, और सनशाइन होगी धूप, एस यू एन सन, एस एच आई एन ई, सनशाइन बन गया इसका। दूसरा है कैंप फायर, सी ए एम पी एफ आई आर ई एस, कैंप फायर्स। आगे हमारा हनी कॉम्ब, इसका बन गया हमारा हनी, एच ओ एन वाई हनी, सी ओ एम बी, हनी कॉम्ब बन गया ये हमारा, इसका बन गया इस वाले का, हनी कॉम्ब का। ठीक है आगे हम देखेंगे, यह है हनी मिस होती है आपकी मक्खी होती है ना, और कॉम्ब होता है कंघा। तो इसको मिलकर हनी कॉम्ब बन गया, मधुमक्खियों का छत्ता जिसे बोलते हैं। सनफ्लावर, सन अलग है, सूरज फ्लावर अलग है, सन में सूरज, फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल, लेकिन इसको मिलकर बनाते हैं हम सन फ्लावर, एफ एल ओ
WER, ये बन गया हमारा सूरजमुखी। ठीक है, वाटर मीन्स पानी और मेलन मीन्स खरबूज, तो अब वाटर मेलन मिल के बन गया हमारा, इसे मिल के क्या बन जाता हमारा, वाटर MELON, वाटर मेलन मिल गया, तरबूज, तरबूजा तो आप गर्मी में खाते हैं, तो इन दोनों को मिलकर बन गया तरबूज। अब देखते हैं हम आगे, हमारा लास्ट है पेपर, पीपर होता है, मिर्ची और मिंट, पीपर मिंट, पीपर मिंट, इससे हमारा क्या बन गया, पीपर मिंट। तो हमें ऐसे दो नए वर्ड बन के, दो अलग अलग वर्ड मिला के हमने एक नए वर्ड को बनाया है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को जानते होंगे जो दो मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं, तो आपको कुछ वर्ड अपने आप से लिखने हैं ऐसे, तो और कुछ हमारे इसमें एग्जांपल में है। तो बच्चों आई होप आपको ये मज़ेदार लगी होगी और आपको, आपने एंजॉय करके इसे सोल्व भी किया होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।